हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न के नए फीचर के बारे में जो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है 7th of July को, जो इन्होंने लॉन्च किया है वन स्टॉप डेस्टिनेशन। राइट, अब इन्होंने क्या किया है, अब आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है वन स्टॉप डेस्टिनेशन कर दिया है न्यू फीचर के साथ। डैशबोर्ड पर ही सेलर सेंटर पर अब आपको ये दिखाई देगा, जितने भी पैरामीटर आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को अफेक्ट करते हैं अब उनको आप एक साथ ही देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताता हूं मैं किस तरीके से आप उसमें परफॉर्मेंस देख सकते हैं और क्या क्या उसमें परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको उन्होंने पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं ताकि आपको डायरेक्टली मैं दिखा पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर न्यूज इन्होंने दी हुई है जो कि 7th July को कल यानी कि कल यहां पर पब्लिश हुई है, जो आप देख पा रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग योर न्यू परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड इन्होंने नया ही लॉन्च किया है, ये नया फीचर आया है जिसमें आप जो कि यहां पर 8 पैरामीटर्स दे रखे हैं वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी न्यू डैशबोर्ड पर। तो देखिए, जैसे कि आप न्यू डैशबोर्ड देख पा रहे हैं यहां पर, यहां इन्होंने बताया है मैट्रिक्स इन्होंने दे रखी है लास्ट 7 days, इन्होंने 7 days का ट्रेंड दे रखा है, 30 days का ट्रेंड दे रखा है, और जो इन पैरामीटर्स की बेंचमार्क है वो भी इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। तो जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखते हैं टोटल कैंसिलेशन रेट, टोटल कैंसिलेशन रेट क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा मैं फिर भी बता देता हूँ, टोटल कैंसिलेशन रेट होता है अगर सेलर की तरफ से ऑर्डर कैंसिल होते हैं या फिर अमेजोन कैंसिल करता है क्योंकि सेलर ने जो भी एस्टिमेटेड टाइम था उसके 24 hours तक उस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं किया था तो वो कैंसिल हो जाता है, तो ये कहलाता है आपका टोटल कैंसिलेशन रेट। टोटल लेट डिस्पैच रेट, अगर ऑर्डर मिलने के बाद जो भी एस्टिमेटेड डेट होती है उसके बाद अगर डिस्पैच किया जाता है तो वो लेट डिस्पैच में आ जाता है। राइट, तो एक पैरामीटर ये हो गया। थर्ड है आपका सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट। सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट क्या होता है, वो ये होता है कि अगर कोई आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई इश्यू रहता है जिसमें रिटर्न होता है आपका, जो कि सेलर अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकता है, राइट, परफॉर्मेंस हो सकती है उस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं अच्छा है या फिर उसको पसंद नहीं आया है, जो फीचर आपने बताए हैं वो फीचर उसमें बायर को नहीं मिले हैं, तो ये रिटर्न होता है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट। और यहां पर एक है फोर्थ जो कि है आपका आउट ऑफ स्टॉक रेट। आउट ऑफ स्टॉक अगर हो जाता है तो वहां पर भी ये बताएगा, राइट, और आउट ऑफ स्टॉक रेट के बारे में ये जो रेट अब आपको मैं बताऊंगा, ये चीजें और पैरामीटर्स मैं बताऊंगा आपको, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियरली पता चल पाए कि ये क्या होता है, क्योंकि अगर इसमें डिस्कस हम करेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाए। तो उसमें आपका है 5th point है प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज, ये आपका परसेंटेज दिखाएगा, रीजनल इन स्टॉक परसेंटेज दिखाएगा, यहां पर नेट सेल्स वॉल्यूम और नेट सेल्स यूनिट दिखाएगा। तो ये पैरामीटर्स अब आप ऑलरेडी अपने डैशबोर्ड में देख पाएंगे जो कि इनका न्यू फीचर है, आपको काफी अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, हो सकता है आपको इजीली मिले भी नहीं अगर पहले के अगर डैशबोर्ड की बात करें, लेकिन अब आप इनके न्यू फीचर के साथ ये वाला जो डैशबोर्ड प्रोवाइड इन्होंने किया है उसमें आप ये फीचर्स ये मैट्रिक्स अब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी लेटेस्ट अपडेट अमेज़न के बारे में जो इन्होंने लेटेस्ट अभी करंटली इन्होंने लॉन्च किया है। अब आप अपनी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है डैशबोर्ड में ही देख पाएंगे, सेलर सेंट्रल पर अपने अकाउंट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए वो चेक कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस 7 days पर 30 days पर क्या चल रही है और जो आपको बेंचमार्क दी गई है उस पर क्या काम चल रहा है, क्या वर्क चल रहा है। तो दोस्तों, ये था लेटेस्ट अपडेट, और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले हमारे वीडियोस की। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।